तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 दिया है। थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है और हमसे पूछा है फाइंड टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमें पता है हमारी इंफॉर्मेशन क्या दी है, साइन थीटा है हमारा 5/13। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वही टेबल बनाएंगे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें पता है हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच। ठीक है, अब हमें एक ट्राइंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो ये हमारी थीटा होगा, ये नहीं हो सकता। ये थीटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है और ये साइड हमारी 90 डिग्री है, तो ये हमारी 90 डिग्री ही होगी। अब इनमें से कोई एक थीटा, तो सपोज ये थीटा मान लेते हैं, हम ए बी सी रख लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम। अब हमें पता है परपेंडिकुलर, हमें पता है मतलब 5 ये है, और हाइपोटेनस हमें पता है मतलब ये पता है। परपेंडिकुलर ये क्यों हुआ, एंगल के सामने है तो परपेंडिकुलर होगा। तो हमें 5 पता है और 13 पता है। अब हमसे पूछा है टेन थीटा निकालना है हमें, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा। पर एक और बात, सॉरी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसको हम 5 और 13 नहीं लिख सकते हैं। इसको हमें लिखना पड़ेगा 5x और 13x। ऐसा क्यों? सपोज मेरे पास है 6/10, ये किसके इक्वल होता है, 3/5 की इक्वल है ना, और या फिर मेरे पास है 12/20, ये भी 3/5 की इक्वल होता है। तो हमें नहीं पता कि ये 5/13, जब ये सॉल्व मतलब जब 5/13 से पहले ही कुछ रहा होगा, जैसे 6/10 हो सकता है या 12/20, ऐसा कुछ रहा होगा। तो मतलब इतना हमें पता है कि जब हमारा 5 और 13 के सामने कुछ था, तो ये कट के हमारे पास 5/13 आया हमारे पास, पर हमें ये नहीं पता कि ये क्या था। तो इसलिए हम इसको 5x 13x लेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, जैसे मैंने भी कर दी थी अभी, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको हम लेंगे 5x और 13x। ठीक है, अब टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें परपेंडिकुलर पता है पर बेस नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालते हैं। तो बेस क्या होगा, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के ए सी स्क्वायर हमारा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब हमारा ए सी जो कि हमारा 13x है, इसका स्क्वायर हमारा इक्वल होगा ए बी स्क्वायर के, मतलब 5x² के प्लस BC²। हमें BC² निकालना है, तो हम लिख सकते हैं BC² इज इक्वल्स टू 5x² को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 13x² - 5x²। इसको सॉल्व करते हैं, 13x² हो जाएगा 169x² और 5x² हो जाएगा 25x². सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144x². तो BC² हमारा 144x² आ गया। ठीक है, इसका मतलब BC हमारा हो जाएगा √144x² जो कि हमारा आएगा 12x। तो हमारा जो बेस है ये हमें पता चल जाएगा, ये हमारा 12x होता है। ठीक है, तो हमें अब पता है हमारा बेस क्या है, तो हम इजिली टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमारे ये 12x निकला, परपेंडिकुलर 5x है, डिवाइडेड बाय 12x, एक्स एक्स द्वारे कट जाएंगे, ये 5/12। अगर मैं यहाँ x नहीं भी लेता तभी भी मेरा आंसर सही आता, पर वो मेथड गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 5/13 से पहले क्या रह चुका है। क्या पता है 10/26 हो, कट के
टू टू से कैंसिल होके 5/13 आया हो, इसलिए हमें इधर किसी चीज़ का मल्टीपल रहा है, मतलब 5 का मल्टीपल ये रहा है और 13 का मल्टीपल ये रहा है, तो हमें x लगाना ही पड़ेगा। तो हमारा टेन थीटा निकल चुका है, अब कॉस थीटा निकालते हैं। तो हमारा कॉस थीटा कितना होता है, अब देखिए इसका एक और तरीका है, या तो मैं कॉस थीटा निकाल के इसमें पुट कर दूं, मतलब हमारा एक्सप्रेशन है टेन थीटा प्लस 1/cos थीटा। तो या तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, फिर यहाँ रखूं, फिर इसका एलसीएम लूं, फिर इसको सॉल्व करूं, फिर नीचे भी कुछ रहेगा, फिर उसको भी कट करूं, तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरा 1/cos थीटा कितना होता है, sec थीटा, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस sec थीटा। तो मतलब अभी मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो मुझे निकालनी होगी sec थीटा की, मतलब हमें निकालना होगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sec थीटा। तो मुझे sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, sec थीटा कितना होता है हमारा, sec हमारा ये है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा। हाइपोटेन्यूज कितना हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूज है 13x, 13x बेस है हमारा 12x, 12x ये कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारा 13/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस sec थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 5/12 प्लस 13/12, ये हो जाएगा हमारा 12 कॉमन है 18/12, इसको हम लिख देंगे 6 टू द 12, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 3/2।